हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के चैनल गेमिंग रजू ट्रिक्स में। तो पहले मैंने एक 25 रुपीज़ एंट्री फी का पूल रमी का एक विनिंग ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसमें एक कमेंट आया था कि अब 50 रुपीज़ एंट्री फी का जो पूल रमी होता है उसका विनिंग ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताओ। तो इसलिए फिर से आ गया और एक पूल रमी खेलने के लिए। और आज की इस वीडियो में मैंने 50 रुपीज़ एंट्री फी का जो पूल रमी होता है उसका विनिंग ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में अगर 100 लाइक आ जाए तो मैंने 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ जो पूल रमी होता है एंट्री फी का उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 50 रुपीज़ एंट्री फी का एक पूल रमी भी एंटर कर लिया और यहाँ पे टोटल 5 बंदे खेलते हैं। और शुरुआत में सबका पॉइंट 0 होता है और जिसका पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाता है वो गेम से बाहर निकल जाते हैं। और अब अगर 50 रुपीज़ एंट्री फी का पूल रमी खेलना चाहते हो तो मैं कहूँगा आप सुबह 9 बजे से 2 बजे तक अब खेल सकते हो, क्योंकि इस टाइम में यहाँ पे लीडर बोर्ड चलता है। तो अगर अपने गेम में भी कुछ हार गया तो यहाँ पे लीडर बोर्ड से आप कुछ कमा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मुझे बहुत अच्छा कार्ड तो नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइफ नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत जोकर मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैंने खेल लिया क्योंकि मुझे छोड़ के बाकी 3 बंदा यहाँ पे डब कर दिया है। और मेरी लेफ्ट साइड में जो बंदा है उसने फर्स्ट टाइम टाइम आउट किया था और सेकेंड टाइम भी टाइम आउट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड टाइम टाइम आउट कर दिया। तो यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे डबल डब किया है मुझे पता नहीं चलता है इन लोग खेलने के लिए क्यों आता है। जब आप खेल नहीं पा रहे हो तो खेलने के लिए क्यों आया, क्यों आपका पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो आप ऐसा गलती मत करो। जिसने डबल डब कर दिया शायद उसका नेटवर्क बहुत स्लो है। तो आपको मैं यही एडवाइस दे दूंगा कि जब आपका नेटवर्क बहुत स्लो है तो आप गेम में एंटर मत करो, क्योंकि क्यों आप पैसा आपका बर्बाद करना चाहते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हो फिर से उसने टाइम आउट कर दिया और यहाँ पे इस टाइम तो मुझे बहुत गलत कार्ड मिल गया क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी फास्ट लाइफ नहीं है और एक जोकर है। तो यहाँ पे मैंने इस टाइम नहीं खेलूँगा और यहाँ पे मैंने डब कर दूँगा। तो आपको भी यही करना है, जब आपको अच्छा कार्ड ना मिले तो आपको डब कर देना है, क्योंकि डब करने से आपका सिर्फ 20 पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आपने खेल लिया और डिक्लेयर नहीं कर पाया तो आपका बहुत ज़्यादा पॉइंट इंक्रीज हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो फिर से उसने डबल डब कर दिया। जो बंदा पहले डबल डब किया था फिर से डबल डब कर दिया और उसका पॉइंट कितना ज़्यादा हो गया आप देख सकते हो, 80 पॉइंट हो गया। तो क्यों उसने खेलने के लिए यहाँ पे इंटर किया गेम में, मुझे तो इन लोगों को देख के पता नहीं चलता है क्यों उन लोग पैसा बर्बाद करने चले जाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ही तो फ़ायदा हो जाएगी अगर उसने गेम से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो इस राउंड में पोकर गुरु जो बंदा है उसने डिक्लेयर कर दिया और जो फ्रूट गुरु जो बंदा है उसका 5 पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट राउंड में, देखते हैं नेक्स्ट राउंड में मुझे कितना अच्छा कार्ड मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे अच्छा कार्ड तो नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही जोकर मिला है और फर्स्ट लाइफ नहीं मिला। तो देखते हैं कि अब मुझे फर्स्ट लाइफ मिलता है कि नहीं और थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर जो पोकर गुरु है उसने ड्रॉप कर दिया और फ्विट गुरु भी ड्रॉप कर दिया, तो मैंने भी इस राउंड में डब कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा है तो इसलिए मैंने डब कर दिया। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जब आपका अच्छा कार्ड नहीं मिले तो आपको डब कर देना है, जब आपको अच्छा कार्ड मिले तो आपको खेल लेना है। यही है पूल रमी का मेन ट्रिक। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक भी है जिसको मैं खेलने के समय बताते रहूँगा, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पर देख सकते हो जिसने फर्स्ट टाइम टाइम आउट किया था, सेकेंड टाइम टाइम आउट किया था, थर्ड टाइम भी उसका टाइम आउट हो गया और उसने गेम से बाहर ही निकल गया। मतलब वो नहीं खेला और गेम से बाहर निकल गया और उसका 50 रुपीज़ पूरे वेस्ट हो गए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट राउंड में भी मुझे अच्छा कार तो नहीं मिला लेकिन यहाँ पे मुझे एक फर्स्ट लैब मिल गया, इसलिए मैंने यहाँ पर खेल रहा हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट लैब के अलावा और भी एक जोकर है तो यहाँ पर खेल रहा हूँ इसलिए। और यहाँ पर देखते हैं बाकी 2 बंदा यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और मेघा जो बंदा है उसने खेल रहा है। तो यहाँ पे आपको कोशिश यही करना है, यहाँ पे आपके पास जो हाई वैल्यू का कार है मतलब जिसका पॉइंट 10 के आसपास होता है उसको आपको पहले छोड़ना है। और अगर कोई कार 2 या 3 रहे, सेम कार 2, जैसे यहाँ पे सेम कलर का 2K था मेरे पास, तो मुझे कोशिश यही करना है पहले जो सेम कलर का 2K है उसको पहले छोड़ना है, क्योंकि अगर आपके पास 2 सेम कलर का एक ही कार रहे तो आपको कोई भी काम में नहीं आएगी, तो इसलिए उसको आपको पहले छोड़ना है। और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे फिर से मैंने जे को छोड़ दिया और यहाँ पे देखते हैं उसने क्या कर देता है। और यहाँ पे
यहाँ पे 10 दे दिया। 10 मेरा कोई काम की कार नहीं है तो मैंने उधर से ले लिया, और उधर से 4 आ गया और यहाँ पे मैंने क्यू को छोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे 4 को क्यू नहीं छोड़ा, क्योंकि 4 का वैल्यू बहुत कम है। यहाँ पे 4 का वैल्यू सिर्फ 4 है, लेकिन क्यू का वैल्यू 10 है। इसलिए अगर अपने क्यू को छोड़ोगी तो आपका पॉइंट 10 डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्यू को छोड़ दिया और यहाँ पे के आ गया, जो भी मेरा काम का कार था, इसलिए मैंने के को ले लिया और यहाँ पे 8 को छोड़ दिया। तो देखते हैं क्या एक कार मुझे मिलता है। अगर यहाँ पे मुझे एक कार मिल गया तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 5 दे दिया, 5 तो मेरी कोई काम की नहीं है। 9 को छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे 9 को उसने ले लिया, और यहाँ पे देख सकते हो 9 को लेने के बाद उसने डिक्लेयर कर दिया। कोई बात नहीं, मेरा सिर्फ 3 पॉइंट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे देखते नेक्स्ट राउंड में कितना अच्छा कार मुझे मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट राउंड में मुझे बहुत गलत कार मिल गया, कोई भी फास्ट लाइफ नहीं है, तो इसलिए मैंने इस राउंड में डब कर दिया। तो आपको भी अगर ऐसा कार मिले तो आपको ऐसा कार में ज़रूर डब करना है। और यहाँ पे देखते उन तीनों बंदा से किसने डिक्लेयर कर पाता है और किसने किसका पॉइंट कितना इंक्रीज कर पाता है। और यहाँ पे जो मेघा शायद नहीं खेलेगी, नहीं खेल रहा है, और यहाँ पे बाकी जो दो बंदा फूड गुरु और पोकर गुरु दोनों भी खेल रहा है। और यहाँ पे देखते कौन डिक्लेयर कर पाता है। और यहाँ पे 5 को ले लिया मेघा ने, और यहाँ पे मेघा ने डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो जो पोकर गुरु और फूड गुरु उन लोगों का कितना पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया। उन लोगों का तो 100 से भी ज़्यादा पॉइंट इंक्रीज हो गया था, लेकिन यहाँ पे उन दोनों ने यहाँ पे री एंट्री मार दिया। तो री एंट्री क्या होता है, अगर आपका पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाए तो आप फिर से गेम में एंटर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आप जितना पैसा दे के यहाँ पे एंटर कर रहे थे आपको फिर से उतना पैसा देना पड़ेगा। और री एंट्री करने के लिए और एक रूल है, क्या बाकी जो 3 और 2 बंदा है उन लोगों का पॉइंट 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप री एंट्री मार सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो फिर से नेक्स्ट राउंड चालू हो गया, और यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में मुझे बहुत अच्छा कार मिल गया, क्योंकि यहाँ पे फास्ट लैब मिल गया, 2 जोकर मिल गया, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं क्या कितना अच्छा कार मुझे मिलता है। और यहाँ पे मैंने उधर से कार एक कार ले लिया और यहाँ पे के को छोड़ दिया। तो यहाँ पे मुझे अगर एक कार मिल जाए तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। और अगर डिक्लेयर कर दिया ना यहाँ पे उन लोगों को, बाकी जो दो बंदा जिसने री एंट्री मारा है उन लोगों को बाहर भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या कार मुझे यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अगर एक 8 मिल जाए ना तो डिक्लेयर कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो 1 8 मिल गया और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देख सकते हो जो दोनों ने री एंट्री मारा था उन लोगों का पॉइंट फिर से 100 से ज़्यादा हो गया, और इस बार उन लोगों ने री एंट्री भी नहीं मार सकता है क्योंकि मेरा पॉइंट 80 से ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों ने गेम से बाहर हो गया। तो अभी आपको जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताना है वो है, अगर आपका पॉइंट 80 से ज़्यादा हो गया और आपको अच्छा कार नहीं मिला तो भी आपको खेल लेना है, क्योंकि अगर आपने डब कर दिया और आपका पॉइंट 80 से ज़्यादा हो गया तो आप गेम से ऐसे ही बाहर हो जाओगे, इसलिए आपको ज़रूर खेलना है। जैसे यहाँ पे मुझे अच्छा कार मिला नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे खेलना ही है, अगर नहीं खेला तो गेम से बाहर हो जाओ। और यहाँ पे देख सकते हो उस राउंड में मैंने खेल लिया था और उसने डब कर दिया था। और इस राउंड में क्या होता है, इस राउंड में भी मुझे खेलना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने खेल लिया और देखते क्या वो खेलता है कि नहीं। और यहाँ पे उसने शायद नहीं खेलेगा, अगर नहीं खेला तो वही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो उसने नहीं खेला, और यहाँ पे उसका पॉइंट 95 हो गया और मेरा पॉइंट 83 हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है स्प्लिट प्राइज, तो ये क्या है, आपको इसको टच करना है कि नहीं, अगर करना है तो कब करना है, तो सब कुछ मैं बताता हूँ। तो पहले आपको जानना है स्प्लिट प्राइज का जो ऑप्शन है वो क्या है। ये ऑप्शन यही है कि आप दो बंदा अभी गेम में बचे तो जो टोटल प्राइस है क्या आप दोनों में हाफ हाफ लेना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन में टच कर सकते हो। और कब ये ऑप्शन आता है, जब 2 या 3 बंदा एंड तक रहता है और हर बंदे का पॉइंट 80 से ज़्यादा हो जाता है तब ये ऑप्शन आता है। तो अभी चलते हैं कब आपको इस ऑप्शन को इनेबल करके हाफ हाफ प्राइस लेना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 बार खेल लिया था और उसने 3 बार डब किया था जो मेरा ओपोनेंट था, मतलब उसका 3 बार अच्छा कार नहीं मिला, तो एक बार उसका अच्छा कार मिल सकते हैं इसके बाद जो राउंड आएगा, इसलिए मुझे लगा इसके बाद उसका अच्छा कार आ सकता है और मेरा गलत कार भी आ सकता है। तो अगर मैंने खेल लिया नेक्स्ट राउंड में तो क्या होगा, उसने डिक्लेयर कर देगा और मेरा पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाएगा और वो जो टोटल प्राइज है टोटल प्राइज को उसको मिल जाएगी, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने जो स्प्लिट पैच का ऑप्शन है उसके
अंदर जाके यस के अंदर टच करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही यस के अंदर टच कर दिया तो दोनों को सेम प्राइज यहाँ पे मिल गया हाफ हाफ करके। तो ऐसे ही आप पूल रमी जीत सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के खेलना है, तो आपको कब ड्रॉप करना है, कब खेलना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप जब खेल रहे हो तब आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा।